हेलो एवरीवन गाइस, तो सुबह के 4:30 बज रहे हैं और सिर्फ हम लोग उठा दिए, इसलिए उठाए क्योंकि हम लोग को जाना है गरीबाग फुफू लोग को ड्रॉप करने के लिए। तो ड्रॉप करने के लिए हम और भैया निकल रहे हैं साथ में फुफू लोग को गरीबाग, तो फिर चलते हैं। भाई अभी तक मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है, अभी भी नींद ला रहा है, फिर भी निकलते हैं गरीबाग, देखते वहाँ क्या होता है। बाय बाय बुलबुल बच्चे, बाय बाय। अचानक से हम लोग को हजारीबाग जाने का प्लान हो गया, तो फिर आज हजारीबाग आए, तो यहाँ कुछ दिखाते हैं आप लोगों को आज क्या चलेगा प्रोग्राम, क्या कैसे करना है सारी बात। गैस लोग यहाँ घूम रहे हैं। गैस हम लोग आ चुके हैं फिशिंग स्पॉट पे, जो कि दिखाने जा रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे है वो लोकेशन, और भैया लोग गए हैं इधर, दिखाते हैं। हमको भी नहीं पता था कि आज फिशिंग करने वाले हैं, पर सरप्राइजली आए। और भैया का प्लान ऐसे बना कि बोला कि चलो चलते हैं आज फिशिंग करने, और आ गए हम लोग फिशिंग करने। इधर देखिए ये हजारीबाग का लटमा, भैया लटमा है ना एरिया, और लटवा वो हजारीबाग का लटवा जगह है जहाँ पर फिशिंग करने आते हैं। पर यहाँ देखिए अभी तो सूखा हुआ ही वाला, लेकिन यहाँ तक बोलता है कि यहाँ दूर दूर तक जहाँ तक पेड़ दिख रहा है ना जंगल, वहाँ तक भरा रहता है। तो ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ का। अरे देखे मछली, जल्दी का टपा, मतलब यार बहुत मछली होता है ना। चिंगड़ा चिंगड़ी सब चिंगड़ा छोड़ दो, झाड़ने तो छोड़ दो। और यहाँ हम लोग स्पॉट चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ उतना मच्छी नहीं आ रहा जाल फेंकने पर। अब आगे आगे ना मारेंगे भैया सीधे में। ये हुआ ना, इधर ना रहा है पकड़ा रहा है, सब होगा इधर बढ़िया पकड़ा रहा भैया। क्या ज्यादा दूर दूर मत फेंको ठेपा, अरे भैया आप तो देसी क्रिस है जी, हाँ आपको पहचान नहीं था नहीं है हजारीबाग में, हाँ बार बार हम लोग का स्पॉट चेंज करके मछली मारना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जितना भी जाल फेंक रहे हैं तो उसमें बहुत कम मछली आ रहा है। कल ही पहले ही से फिशिंग हो चुका है लग रहा है। वो देख रहा वाटर प्रूफ भैंस लोगे का निकाला। अरे भैया अभी तो लग रहा है एक आटो कतला उतला होगा। क्या क्या फंसा अभी दिखाइए, छोटा निकला छोटा वाला दो ठो। गर्मी का मौसम है और अक्सर गाय या फिर जानवर लोग पानी किनारे ही रहते हैं सब कुछ। सब तो बड़ा बड़ा दिख रहा है मछली इसमें अभी।
इधर लगता है हमको बड़ा बड़ा होगा मछली क्या? उधर मार दिया ना। कहाँ भाग अच्छी उधर जाल खेल दिया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, उधर जितना जाना तो गए ना थे, अफसोस नहीं होता कि नहीं गया का? आया उसमें मिसबे मारेंगे आप, हो गया पूरा। शिकारी भैया को मार देते हैं। पहले फेंक दिया है चलना, वो काम तो धोएंगे। बालू तो यही तुम्हारे है, बालू है यहाँ। जाल फेंक दिया सुबह पे, उधर से इतना देखा, इतना मछली आज को हुआ है। बस बस सही है, दो के तीन केजी तो हो जाएगा क्या? तीन केजी ऊपर से कम दिखता है लेकिन ज़्यादा दिखता है। तो आज का देखे ना गाइस, 3 केजी मारे हम लोग। ये शिकारी ऐसे नाम नहीं है, पता है, देख लिया था। नाम सोच समझ कर रखा हुआ है उसको, तो हजारी बग जानता है शिकारी के नाम से ऐसे। तो हजारी बाग में क्या बोलते हैं, हम लोग का मछली मारने का कुछ ऐसा सीन बना था, प्लान अचानक से बना था। यही भैया लोग है जो प्लान को अंजाम दिया है। धूप इतना ज़्यादा है कि वापस हम लोग मच्छी की तरफ सूख जा रहे हैं, और कार खड़ा के वहाँ पर देख रहे हैं। अभी जाने में और हालत ख़राब हो जाएगा अंदर में, वहाँ पर पूरा धूप में। तो हो गया हम लोग आज का फिशिंग, आज का हम लोग का अनप्लान्ड। गर्म पानी था, अरे धूप नहीं हो गया था गर्म। तो अनप्लान्ड हम लोग का रहा सक्सेस मछली मारने का। ऐसे पता भी नहीं था आज का प्लान क्या है, मछली मारना या फिर कहीं और जाना है। तो हो गया हम लोग का फिशिंग वशिंग, अब निकलते हैं क्योंकि एसी चालू कर दिए हैं, इतना गर्म है। अब निकलते हैं घर की ओर, मिलते हैं आपको। जाना कहाँ भैया? हनीश भैया मोबाइल लेकर तो पता चलेंगे। अच्छा फोन मत दें, अंदर कितना गर्मी था, अंदर बोलते बाहर 9:30 में मार दिए हम लोग। 9:30 तक मार दिए हम लोग उस टाइम में। तो गाइस हम लोग फूलों को छोड़ उड़ गए हजारे बाग, अब हम लोग निकलते हैं रांची की ओर। मच्छी से बहुत मारे, बहुत फन हुआ, अनप्लान था। अब हजारी बाग आने में भी जो कि फूलों को आना ज़रूरी था, तो अब हम लोग लौटते हैं रांची की ओर। बहुत थक चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हजारी बाग में, और मिलते हैं अब रांची पे। भाई देख रहे हैं बहुत लो फ्यूल था, गाड़ी में तेल एकदम ख़त्म होने वाला था, और एकदम बहुत ही रेयर में हम लोग को पेट्रोल पंप मिला जिसमें पेट्रोल था। 3-4 पेट्रोल पंप पार कर लिए तो पेट्रोल नहीं था, बस डीजल था। पेट्रोल अभी बस एक ही पेट्रोल स्टेशन में यहाँ पर मिल रहा है भाई। मैं तो फिर अभी ढकेल के जाना होता हम लोग को रांची। किस्मत था, पेट्रोल है हो गया ना भैया।
तो गैस फाइनली हम लोग घर पहुंच गए और नहा धो के पूरा फ्रेश हो गए भाई। वहाँ क्या गर्मी था और वहाँ मछली पकड़ने के चक्कर में हम लोग अपना पूरा कपड़ा गंदा कर लिए थे। तो फिर चलते हैं, रेस्ट करते हैं, इधर उधर करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तक प्लान बन रहा है मछली उछली मारने का, तो आज फिशिंग भी करने में बहुत मज़ा आएगा। आज फिशिंग करने में बहुत मज़ा आ सकता है।